यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो बात मौसम की करेंगे। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही आपको बता दें, अगले 48 घंटों तक आंधी तूफान और बारिश की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको दे रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब तक आंधी तूफान बारिश से 73 लोगों की मौत हो चुकी है, साथ ही 83 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको दे रहे हैं, जहां पर आंधी तूफान और बारिश के चलते 73 लोगों की मौत हो चुकी है। कहीं ना कहीं बड़ी समस्या ये लोगों के सामने खड़ी हो गई है। आंधी तूफान और बारिश की मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 48 घंटों तक अलर्ट जारी रहेगा। आंधी तूफान और बारिश की आशंका जताई जा रही है, और अभी तक आंधी तूफान और बारिश से 73 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर 73 लोग अपनी अब तक जान गंवा चुके हैं, साथ ही 83 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो लोगों का जहां एक ओर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है आंधी तूफान के चलते, वहीं दूसरी ओर जान मान का नुकसान भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं लोगों का लाखों का नुकसान भी इस आंधी तूफान के बाद से हो रहा है। और अगर यूपी की बात कर ली जाए, तो 73 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 83 लोग घायल हो चुके हैं।